जिला मंडी के सुंदरनगर में आयोजित 108 आपातकालीन सेवक की दो दिवसीय कार्यशाला संपन्न हो गई। कार्यशाला में शहरी आपदा रक्षक प्रोग्राम के तहत लोगों को आपदा में 108 एम्बुलेंस की सेवाओं का डेमो दिया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों आईटीआई के छात्रों व आम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर मुश्ताक ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी स्टाफ के मेंबरों ने लोगों को आपदा में 108 पर कॉल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो ध्यान रखें, सबसे पहले 108 नंबर पर कॉल करें। जब भी 108 आपातकालीन सेवा के कॉल सेंटर द्वारा कॉलर को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही जाती है तो एम्बुलेंस वाहन को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया जाता है। गौरतलब है कि इस सेवा के शुरू होने से राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। ऐसी स्थिति में 108 आपातकालीन सेवा के एम्बुलेंस वाहन की प्रतीक्षा करना एक समझदारी भरा निर्णय होता है। 108 आपातकालीन सेवा निश्चित रूप से सभी आपात मामलों, हृदय संबंधी सर्प दर्श या किसी अन्य आपात स्थितियों में अनमोल जीवन को बचाने में सहायक साबित हुई है। आज जो शहरी आपदा रक्षक ये दो दिन का वर्कशॉप था, ट्रेनिंग वर्कशॉप था, आज 108 एम्बुलेंस सर्विस स्टाफ ने यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन दिया, जिसके बारे में अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको विस्तार से इमरजेंसी के बारे में बताया और इमरजेंसी के टाइम पे CPR कैसे करते हैं, ट्राइज कैसे करते हैं, चौकिंग के टाइम पे कैसे मरीज की जान बचाते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उसके साथ साथ एम्बुलेंस के बारे में बताया इनको कि किस तरह की सर्विसेज एम्बुलेंस में अवेलेबल है और किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप चाहे पुलिस हो या मेडिकल या फायर हो, आप 108 नंबर पर कॉल करें और आपको इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।